सो हे गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनली यहाँ पर पंचायत सीजन 3 28 मई यानी कि 28th ऑफ मई को अमेजोन प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने जा रहा है। जी हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग पंचायत सीजन 1 और सीजन 2 का रिकैप कर ले। जी हाँ, जिससे क्या होगा, जो लोग पंचायत सीजन 1 सीजन 2 नहीं देखे वो डायरेक्ट पंचायत सीजन 3 पर जंप कर पाएंगे इस रिकैप को देखे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पंचायत सीजन 1 का रिकैप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत जल्दी 2-3 दिन में, उसमें हम लोग पंचायत सीजन 2 का रिकैप करेंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही उठाएंगे, छोटी मोटी चीजों को नहीं उठाएंगे, वरना टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको पता, अगर यहाँ पर सीरीज के भूषण होते तो क्या कहते। देख रहा है विनोद, कैसे दो बड़े बड़े सीजन्स को दो छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो में निपटाया जा रहा है। ओके, जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ नया करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो अच्छी लगती तो कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो कौन सी है। टिल देन, बिना टाइम में यहाँ पर हम लोग रिकैप को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सीरीज़ की शुरुआत होती है सीजन 1 के एपिसोड 1 से। जी हाँ, और ऑब्वियसली अब एपिसोड 1 से ही तो सीरीज की शुरुआत होगी। ठीक है, अगर हम लोग बात की जाए तो डायरेक्ट चलते कहानी पे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत होती है अभिषेक त्रिपाठी। जी हाँ, अनदर देन अपने जितेंद्र कुमार यानी कि अपने प्यारे जित्तू भैया, मैं तो जित्तू भैया बुलाता हूँ, तो आप समझ जाना कि मैं अभिषेक त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभिषेक त्रिपाठी जो कि एक फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, एंड अब इन्हें कुछ खास जॉब ऑफर नहीं मिल रहा है। इन्हें एक जॉब का ऑफर मिला है, वो है एक गाँव यानी कि गाँव फुलेरा में सेक्रेटरी का काम। जी हाँ, सेक्रेटरी का काम मिला है। अब इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ये चल देते हैं अपने गाँव फुलेरा। जी हाँ, फुलेरा गांव चल देते हैं, एंड जहां पर इन्हें जाते ही मिलते हैं 3 लोग, यानी कि रघुवीर यादव एस ब्रिजभूषण जी, अपने ब्रिजभूषण जी जो कि यहां पर प्रधान के पति रहते हैं और एक्स सरपंच रहते हैं, फैजल मलिक यानी कि अपने प्रहलाद जो कि यहां पर उप प्रधान रहते हैं, और चंदन रॉय जी हाँ विकास एस विकास जो कि यहां पर ऑफिस असिस्टेंट रहते हैं ग्राम पंचायत के। अब इन तीनों से यहां पर अपने जित्तू भैया की मुलाकात होती है, एंड देन यहां पर बात चलती है कि भाई कैसे क्या यहां पर जो ऑफिस रहता फुलेरा का उसको कैसे क्या खोले, वहाँ का ताला लगा रहता है। अब इन लोग ताला को खोलने जाते हैं लेकिन चाबी नहीं आती, फिर इन लोग क्या करते हैं, ताला को ठोक पीट के पत्थर से तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ताला के बदले पूरा दरवाजा ही टूट जाता है। उसके बाद बाहर से जब इन्हें पता चलता है जित्तू भैया की ऑफिस की कैसी हालत है, तो बस वो ठान लेते कि अब जल्दी से जल्दी कैट का एग्जाम क्लियर करना है और इस गांव यानी कि फुलेरा को बाय बाय सी। और इतने में हमारा एपिसोड 1 सीजन का एंड हो जाता है। अगर बात की जाए एपिसोड 2 की, तो वहां पर कहानी जाती है जहां पर दिखाया जाता है कि अपने जित्तू भैया रात को पढ़ाई कर रहे होते कैट के एग्जाम क्लियर करने के लिए, जिससे उन्हें IIM में यहां पर एडमिशन मिले। ठीक है, फिर वहां पर दिखाया जाता है कि रात में लाइट जाने के कारण उनकी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती, और अगले दिन यहां पर मीटिंग बैठाई जाती है जिसमें अपने यहां पर ब्रिजभूषण जी, यहां पर अपने चंदन जी, हम सब लोग आए रहते हैं। ठीक है, जित्तू भैया रहते हो, यहाँ पर पूरे मीटिंग होती है जहाँ पर ये मुद्दा उठाया जाता है, बात उठाई जाती है कि यार यहाँ पर सोलर एनर्जी का यूज करके लाइट को लाया जाए, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की फंडिंग से यहाँ पर होगा। इतने में यहाँ पर मीटिंग में बैठे एक बंदे यहाँ पर एक रहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर भैया जी यहाँ पर एक सजेशन देते हैं कि यहाँ पर जो सोलर एनर्जी, जो सोलर पूरा लाइट है वो सबको यहाँ पर आप भूता पेड़ के यहाँ पर लगाओ, जिससे क्या हो सके, जो गाँव वालों का डर है भूता पेड़ से वो जा सके। एंड इसके चलते यहाँ पर ये जो सुझाव रहता है यहाँ पर अपने ब्रिज जो भूषण जी, ब्रिजभूषण जी, इनको यहाँ पर अच्छा लगता है, यानी कि अपने रघुवीर यादव को अच्छा लगता है, बिकॉज इससे क्या होगा, जो यहाँ पर वोट्स है वो उनको अच्छे से मिलेंगे और गाँव के फुलेरा के लोग यहाँ पर और ज़्यादा चाहेंगे, जिससे इनको और ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन यहाँ पर अपने जो जित्तू भैया है उनका यहाँ पर मुंह लटक सा जाता है, और फिर वो चल देते हैं यहाँ पर भूता पेड़ की मिस्ट्री को सॉल्व करने की, यहाँ पर क्या सच में भूत प्रेत है या नहीं है, उनके पीछे चल देते हैं। फिर उन्हें जाके पता चलता है कि यार ये सब जो एक मिथ है, ये सब एक मिथ है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर एक जो एक आदमी था जिसने अफवाह फैलाई, क्यों फैलाई, क्योंकि वो एक रात को नशे में था और उसने ऐसा देख लिया, तो उसे लगा कि यहाँ पर भूत प्रेत है, और ये बात पूरे गाँव में फैल गई, जिससे हर किसी को लगने लगा कि भूता पेड़ के यहाँ पर भूत रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद यहाँ पर अपने जित्तू भैया अपने प्रधान जी को एक आइडिया बताते हैं, वो बोलते कि यार अब एक काम किया जा सकता है, आप एक रात को यहां पर जो उस भूता पेड़ है उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे सोइएगा, जिससे यहाँ पर जो गांव वाले उन लोग आपको देख कर यहाँ पर मोटिवेट हो जाए और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए, जिसके चलते वो अपना सभी वोट आपको दे दे, जिससे आप भी फायदे में, हम भी फायदे में, पूरा गांव भी फायदे में। ठीक है, तो उसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर फाइनली यहाँ पर ऑफिस के ऊपर सोलर पैनल लग दिया जाता है, एंड यप ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है, एंड यस ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है, इससे बहुत सारे मीम्स मटेरियल निकले। जी हाँ, तो फाइनली यहाँ पर जल्दी से इस एपिसोड पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपने जित्तू भैया यहाँ पर अपने लिए एक चक्के वाली कुर्सी लेकर आते, जिससे वो रात में आराम से बैठ के पढ़ सके, और ये बात जब प्रधान जी को पता चलती है तो उन्हें ये बात थोड़ी सी चुभती है, क्योंकि वो यहाँ पर एक प्लास्टिक वाली कुर्सी में बैठ रहे और उनके सेक्रेटरी यहाँ पर एक चक्के वाली कुर्सी में बैठ रहे, तो ये बात उन्हें चुभती है, इसलिए वो सोच लेते कि अब ये कुर्सी जल्दी से जित्तू भैया
से छुड़वानी। उसके लिए वो एक प्लान डिसाइड करते हैं, उस प्लान पे वर्क करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक बारात को रात में ठहराया जाता है पंचायत के ऑफिस में। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जो अपने दूल्हा बोलता है, जो दूल्हा रहता है, वो बोलता है भाई कि मैं यहाँ पर ज़मीन में बैठा हूँ और यहाँ पर ये बंदा एक अच्छी सी चके वाली कुर्सी में बैठा है, ये तो गलत बात है। उसके लिए यहाँ पर थोड़ा बवाल चालू जाता है, थोड़ी बहुत लड़ाई सी चालू हो जाती, थोड़ी बहुत दो तीन गाली गलौज स्टार्ट हो जाती अपने जित्तू भैया और ये दूल्हे के ऊपर। फिर एट दी एंड ये लड़ाई के बीच में एक डायलॉग निकलता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस डायलॉग निकला इस सीरीज़ का, या फिर कहें इंडियन वेब सीरीज़ का, जिसका नाम है गजब बेइज्जती है। उसके बाद ये सब लड़ाई होते होते देखते देखते प्रधान जी आते हैं, यहाँ पर दोनों मैटर को सुलझाते हैं। एंड एट दी एंड यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि यार जो अपने दूल्हा जी है वो भी एक दो गाली बकेंगे, और इन्हीं के चलते एंड में गाली बकने के सब पूरा लड़ाई मैटर सॉल्व होते होते अपने दूल्हा जी और उनकी पूरी बारात चक्के वाली कुर्सी ले जाती है एंड में, जिसके चलते यहाँ पर प्रधान जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के चलते एपिसोड भी खत्म। उसके बाद अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि यहाँ पर BDO के एक ऑफिसर ने अपने जित्तू भैया को ऑर्डर दिया है कि यार तुम फैमिली प्लानिंग स्लोगन यहाँ पर अपने गाँव में लगाओ, और अगर तुमने नहीं लगाया तो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ एक कड़क एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद अपने जित्तू भैया यहाँ पर स्लोगन को लगवाते हैं, जिसमें लिखा रहता है 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर। अब इसको पढ़ने के बाद अपने भूषण, यानी कि जो डायलॉग बोलते हैं ना, देख रहे हैं ना विनोद, वो यहाँ पर इस बात से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। उसके बाद वो चिड़ जाते हैं और ये सब जो स्लोगन रहता है उसको गाँव वाले पढ़ने से भी जब भूषण भड़का देते हैं बाकी गाँव वालों को, तो बाकी गाँव वाले भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो गांव वाले उनका हेट एक तरफ बढ़ जाता है अपने प्रधान जी की। और ये सब स्लोगन पढ़ के प्रधान जी को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो रात को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते सोचते हैं, और फाइनली जब सुबह मीटिंग होती है तो ये डिसाइड करते हैं कि ये स्लोगन नहीं हटने वाला, जी हाँ ये स्लोगन नहीं हटेगा, ये स्लोगन जैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पर वो अपने जो अपने क्या नाम है उनका सचिव जी, यानी कि जो अपने जित्तू भैया उनको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर बोल देते हैं कि ये स्लोगन मीटिंग में नहीं है, मतलब मीटिंग में बोल देते हैं कि ये स्लोगन नहीं हटने वाला है। उसके बाद गांव वालों को कैसे करके वो मना लेते हैं, एंड देन उनको कॉल आता है फाइनली अपने जित्तू भैया को कि यार ये स्लोगन हटा दो, ये स्लोगन तुम हटा दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गाँव में लोग आतंक मचा दिए थे, थोड़ा मारपीट खूना खच्चर हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर जो BDO के ऑफिसर वो बोलते हैं स्लोगन हटा दो भाई, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन अपने प्रधान जी बोल देते हैं कि नहीं भाई, अपन तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, और एट दी एंड यहाँ पर स्लोगन जैसा का वैसा रहा। उसके बाद अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने जो जित्तू भैया वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो यहाँ पर गांव में एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनके बाकी फ्रेंड्स लोग वहाँ पर मज़े कर रहे हैं, तो इसी के चक्कर में यू नो रात में बियर शियर पी लेते हैं, एंड इसके कारण वो नशे में सो जाते हैं। फिर अगले सुबह जब वो उठते तो देखते कि उनके जो ऑफिस का वो मॉनिटर यहाँ पर गायब हो चुका है, वो चोरी हो गया है। अब ये बात जब अपने प्रधान जी को पता चलती तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं यहाँ पर अपने जित्तू भैया को। जब ये बात पुलिस को बताई जाती, पुलिस स्टेशन में बताई जाती, तो उल्टा पुलिस वाला ही यहाँ पर जित्तू भैया पे शक करता है कि भाई तुमने तो कुछ पैसों के चक्कर में नहीं कर दिया। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, एट दी एंड जब ये सब हो जाता है तो जित्तू भैया का भी मूड ऑफ हो जाता है। फिर रात में यहाँ पर पूरे जो गांव के तीनों लोग हैं, यानी कि अपने प्रधान जी, साथी में अपने फैजल मलिक और इन लोग आते हैं, तीनों को जित्तू भैया को जाके ले जाते हैं पेड़ के नीचे और यार मस्त में पार्टी करते हैं। फिर जब सुबह उठ के यहाँ पर जित्तू भैया देखते हैं, जैसे अपना ऑफिस का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ा रहता है मॉनिटर, उसमें एक लेटर लिखा रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि भाई गलती से चोरी कर लिया था, हमें लगा TV पर मॉनिटर निकला इस टाइप से। और उसके बाद ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता। उसके बाद अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपने जित्तू भैया यहाँ पर गए हैं एक दूसरे गाँव, वहाँ पर वो फोटो खिंचाने जाते हैं जिससे वो फॉर्म वॉर्म भर सके एग्जाम का, ठीक है, और बाकी फोटोज ले सके। तो उसके लिए एक स्टूडियो में दूसरे गाँव के जाते हैं। फिर वहाँ पर जाते ही जब विकास और जित्तू भैया दोनों जाए रहते हैं तो वहाँ पर एक लड़ाई हो जाती है BDO नाम के 2 लोगों से। उसके बाद यहाँ पर लड़ाई खत्म होती, थोड़ी बहुत गाली गलौच होती है, धमकाना होता है। फिर यहाँ पर बाद में ये बात थोड़ी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके बाद दिखाया जाता है कि जब ये अगले दिन फोटो लेने जाते हैं अपने जित्तू भैया, तो यहाँ पर जो फोटो स्टूडियो वाला रहता है वो यहाँ पर फोटोज़ डिलीट कर देता है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर BDO का ही कहना रहता है, इनके चक्कर में वो भी यहाँ पर फोटो डिलीट कर देता है। उसके बाद ये बात गर्मा गर्मी और बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पर चैलेंज आता है सामने से जित्तू भैया लोगों को कि लड़ाई करना है तो मतलब ग्राउंड में आ जाओ, मैदान में आ जाओ, खुले मैदान में आ जाओ। उसके बाद ये तीनों निकल लेते हैं, तीनों नहीं चारों जी, अपने जित्तू भैया, अपने ब्रजभूषण दुबे जी, अपने प्रहलाद और यहाँ पर विकास, चारों निकल चलते हैं यहाँ पर इस लड़ाई के लिए मैदान में। फिर वहाँ पर लड़ाई होती है, थोड़ा बहुत मारपीट टाइप का होता है, ऊपर नीचे माहौल होता है। लेकिन वहीं पर यहाँ पर ले आते हैं बंदूक, जी हाँ बंदूक को ले आया जाता है। और कौन लाता है बंदूक? नंदन अपने प्रहलाद, वो यहाँ पर डराने के लिए राइफल यानी कि बंदूक को ले आते हैं। उसके बाद क्या होता है, धक्का मुक्की के चक्कर में यहाँ पर BDO धक्का मुक्की से यहाँ पर अपने जो सरपंच जी है उनको यहाँ पर गिरा देते हैं, जिसके चलते आ जाता है तेज गुस्सा यहाँ पर अपने जित्तू भैया को। फिर वो वहाँ पर सबकी बैंड बजा देते हैं और उसके चलते एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपने प्रधान जी अपनी बेटी के लिए एक लड़का ढूंढ रहे, जिसके चलते यहाँ पर वो बात करते हैं ऐसे बैठे बैठे ऑफिस में, बात करते हैं अपने जित्तू भैया से कि भाई देखो जो लड़के वाले 20 लाख
से कम में बात नहीं मानेंगे, तो तुम बताओ कि तुम अगर इसके बदले होते तो तुम कितना क्या दहेज मांगते। तो फिर वो बोलते हैं कि यार मेरी सैलरी 20,000 हो या 1,00,000 हो, मैं दहेज नहीं मानता, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। जिसके चलते यहाँ पर जो प्रधान जी रहते वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं अपने जित्तू भैया से, और फिर वो यहाँ पर टेस्ट करने लगते हैं जित्तू भैया को, जिसके चलते वो यहाँ पर रात में कैट का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जित्तू भैया से, एंड लकली उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जिसके चलते प्रधान जी बोलते हैं अब तो मतलब मन में ही वो एक प्रिपेयर हो जाती है कि अब शादी कराना है तो भाई अपने जित्तू भैया से अपनी बेटी की। लेकिन फिर एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि जित्तू भैया का कैट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, जिसके चलते यहाँ पर रघुबीर यादव जो अपने प्रधान जी को अपना डिसीजन, जब ये बात उन्हें पता चलती है तो अपना डिसीजन बदल लेते। फिर बात आती है आखिरी एपिसोड में, जिसमें यहाँ पर कुछ पेपर्स को साइन कराने के लिए जित्तू भैया चल देते हैं यहाँ पर प्रधान जी के घर में, जहाँ पर असली प्रधान जी, जो असली प्रधान है वो है मंजू देवी। हालांकि गाँव वाले प्रधान जी मानते अपने दूसरे यानी कि उनके पति को, लेकिन असली प्रधान जो है वो है नीना गुप्ता मैम एज मंजू देवी जी। फिर वहाँ पर बात करते कि आप उनको कन्विंस करते कि आप गणतंत्र दिवस में आइए, जिसके चलते यहाँ पर बात निकलती है उन दोनों के बीच की और उनको आना चाहिए नेशनल एंथम। फिर जित्तू भैया लग जाते हैं उनको यहाँ पर नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन सिखाने में। उसके बाद यहाँ पर दिन आता है फाइनली गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का दिन आता है यहाँ पर, और फाइनली यहाँ पर उसके बाद दिखाया जाता है कि इतने में ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो मिनिस्टर वो यहाँ पर आ जाती है। जब उन्हें ये सब बात पता चलती है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक लड़ाई सा हो जाती है और वो यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट हो जाती है इस बात से, जिसके चलते डिसीजन लेती है कि जित्तू भैया को यहाँ पर इनकी जॉब से इनसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पर आती है अपनी असली प्रधान जो है नीना गुप्ता मैम एस मंजू देवी आती है, यहाँ पर कन्विंस करती है उन्हें डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को, और उसके बाद यहाँ पर वो फाइनली जन गण मन सुनाती है यानी कि अपना नेशनल एंथम्स अच्छे से सुनाती है, वो भी अच्छे से एकदम प्रेजेंट करके अच्छे से उनको सुनाती है। जिसके चलते जित्तू भैया को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि अभी 1-2 साल यहाँ पर और रुकूंगा गाँव में, और यहाँ पर कैट के एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ यहाँ पर गाँव में ध्यान दूंगा, फिर अगले साल चले जाएंगे, ऐसा कुछ सोचते जित्तू भैया। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर अगले दिन दिखाया जाता है कि उसी वक्त यहाँ पर उनकी बात होती है उनके फ्रेंड से, उनके जो उनके साथ वाले उनसे उनकी बात होती रहती कॉल में, वो बोलते हैं यार कि अगर तुझे गांव से प्यार करना है तो कुछ ऐसी जगह जा जिससे तुझे पूरा गांव दिखे और तुझे गांव से प्यार हो जाए। इसलिए जित्तू भैया चल देते वाटर टैंक के वहाँ पर ऊपर, और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है प्रधान जी की बेटी रिंकी से जी। उतने में एपिसोड खत्म हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर सीजन 2 की कहानी स्टार्ट होती है, जो कि सीजन 2 वाली मैं आपको जल्दी इसका रिकैप लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप सभी को रिकैप सही में अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा। टिल देन मैं जल्दी आप सभी के लिए अगले 2-3 दिन में इसका सीजन 2 का रिकैप लाऊंगा। बस आप प्यार दे दो, प्लीज मेहनत क्यों, प्लीज प्यार दे दो, उसके बाद जल्दी से यहाँ पर सीजन 2 का रिकैप हम लोग लाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए टिल देन। देखो मैंने 2 सीजन को, इतने बड़े बड़े सीजन को 2 वीडियोज में निपटाने का सोचा है, 10 से 12 मिनट की वीडियो में निपटाने का सोचा है, तो बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करो। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।